जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 6.1। तो ये चैप्टर 6 मैट्रिक मेजर्स एंड टेम्परेचर पर है। ये नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट दी फॉलोइंग एस डेसिमल ऑफ ए सेंटीमीटर। तो यहाँ मिलीमीटर्स में दी गई है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगी तो डेसिमल पॉइंट में लिखना। एक चीज़ यहाँ आप अच्छे से देखिए, हमें पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनती है। अच्छा, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो वन नंबर देखिए, 518 मिलीमीटर, तो 518 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 518 को 10 से डिवाइड देंगे। भाई क्यों 10 से डिवाइड देंगे? तो यहाँ देखिए, 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होती है, तो मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, तो देखिए मिली के बाद सेंटी आती है, मिली सेंटी डेसी, वैसे ही मिली के बाद सेंटी आती है और मिली छोटा यूनिट है और सेंटी इससे 10 गुना बड़ा यूनिट है। तो हम छोटा यूनिट से मतलब मिली से सेंटी में जाएंगे, मिली से एमएम से, यहाँ मीटर में है तो सीएम में जाएंगे, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। तो यहाँ 10 से डिवाइड देंगे, हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे ना तो डिवाइड देंगे। हाँ, अगर उल्टा आना होता, मतलब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना होता तो 10 से गुना करता, इंटू कर देता। तो मतलब याद रखना भाई, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 518 को अगर 10 से डिवाइड दीजिए तो सिंपल है, 1 के बाद 10 में क्या है, 10 है, 1 के बाद 10 है, तो राइट साइड से डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट चूर के पुट कर देना। तो यहाँ राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में 8 है, तो 8 को चूर के डेसिमल पॉइंट पुट करना तो 51 यहाँ पे होगी ना, 51.8 है। अब तो देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है, वैसे ही करना। नेक्स्ट टू नंबर देखिए, 6 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, अच्छा 6, 7 सेंटीमीटर को हम 7/10 ऐसे लिखेंगे, तो 6 कंप्लीट 7/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6, यहाँ पॉइंट देना, इसके बाद 6 के बाद पॉइंट है। अच्छा, 7 को अगर 10 से डिवाइड किया तो 10 में तो वही 10, तो एक्सट्रीम राइट साइड से एक डिजिट चूर के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो यहाँ से एक डिजिट चूर के मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगी, तो 6.7 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ क्या हो रही है, ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और इसकी डेसिमल फ्रैक्शन ही है। नेक्स्ट 79 मिलीमीटर, तो 79 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 104 मिलीमीटर, तो 104 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 8 मिलीमीटर, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। एक डिजिट चुनना, तो 8 को चुन के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो गया, तो इस डेसिमल पॉइंट के पहले और एक जीरो देना, क्योंकि इसके पहले और कोई डिजिट है नहीं, तो एक जीरो से डेसिमल पॉइंट क्लियर करना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 25 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो 25 कंप्लीट 5/10 है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए 25 तो है, 25 के बाद पॉइंट देना। अच्छा, 5 को 10 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट 5 को छोड़ के पुट हो गई राइट साइड से, तो यहाँ पे हो गई, तो 24.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ फोन नंबर 102 है, तो यहाँ भी 102 है, तो यहाँ 10.2 होगा। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स ऑफ ग्राम, आप ग्राम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ एक चीज देखिए, 1000 mg इक्वल टू 1 g, मतलब 1 ग्राम है, 1000 मिलीग्राम से 1 ग्राम बनती है। तो एक्चुअली यहाँ होती क्या, देखिए 10 mg इक्वल टू 1 cg, मतलब सेंटीग्राम है, 10 cg यानी कि 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 dg, मतलब डेसीग्राम है, और 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम है। अब देखिए इन तीनों 10 को इंटू करिए, डायरेक्ट हम मिलीग्राम से ग्राम में आ रहे, मिली से ग्राम में आ रहे, तो इन तीनों 10 को इंटू करिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000,
तो इसलिए 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ क्या था, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम है। तो वन नंबर देखिए 518 mg, तो इज इक्वल टू 518 डिवाइडेड बाई 1000 से इसको डिवाइड करना, तो इज इक्वल टू, अब 1000 में देखिए 3 0 है, तो एक्सट्रीम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगी, तो 0.518 ग्राम है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए है 0 देना, तो 0.518 ग्राम, इसको 518 मत पढ़ना, डेसिमल पॉइंट के बाद सिंगल करके डिजिट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो नंबर है 74 mg, तो 74 डिवाइडेड बाई 1000, तो इज इक्वल टू राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ना, तो यहाँ तो 2 डिजिट है, तो और एक डिजिट एक जीरो से बना देना, क्योंकि हम 74 को 0074 ऐसे लिख सकते हैं, वही वैल्यू 74 है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में जीरो नहीं आ सकते, यानी कि किसी भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होते। हाँ हो सकते हैं, अगर स्टार्ट हो भी जाए तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो 074 यानी कि वो 74। अब देखिए 3 डिजिट तो हो गए है ना, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करना, ठीक है। अच्छा तो 0.074 ग्राम है। अच्छा यहाँ 5 mg है, तो 5 को 1000 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 5 को तो हम 005 लिख सकते हैं ना, वही 5 है इसके मतलब, तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करना, क्योंकि 3 डिजिट तो लेफ्ट में आके पुट हो गया, तो ये है 0.005 ग्राम। इसके केस में देखिए 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ये तो ग्राम में है ऑलरेडी ना, तो 5 कंप्लीट 255 डिवाइडेड बाई 1000 ऐसे ही लिखना, तो इज इक्वल टू 5 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना, क्योंकि यहाँ हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5। अच्छा 3 डिजिट चुना, तो 1 2 3 यहाँ पे 255 ग्राम। नेक्स्ट देखिए 23 ग्राम, तो 23 तो ठीक है, 23 कंप्लीट 55 बाई 1000, तो इज इक्वल टू 23.55 में 2 डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट लेफ्ट में होनी चाहिए, तो और एक डिजिट जीरो से बनाना, तो 0.55 ग्राम। नेक्स्ट 6 नंबर है 15 ग्राम, तो 15 कंप्लीट 7 बाई 1000 है, इज इक्वल टू 15. अच्छा यहाँ तो 3 जीरो है, 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन 1 डिजिट है, तो और 2 डिजिट 2 जीरो से बनाना, अब हो गया 15.007 ग्राम। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग एज द डेसिमल ऑफ ए लीटर, अब लीटर में कन्वर्ट करना, तो मिली ml से लीटर में, मिली 10 ml इज इक्वल टू 1 cl सेंटीलीटर, 10 cl यानी कि सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 dl डेसिलीटर, 10 dl इज इक्वल टू 1 लीटर है, लीटर में कन्वर्ट करना ना, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट मिली से लीटर में आने के लिए 3 10 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है, तो 10 to 10 to 10 1000, therefore 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ये आपको याद रखना चाहिए, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो वन नंबर 234 ml, तो यहाँ ml से लीटर में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रही है, तो डिवाइड देना कितनी से, 1000 से, तो 234 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.3 डिजिट लेफ्ट में हो बिना 1 2 3 यहाँ पे, तो 234 लीटर। इसके केस में देखिए 8 को 1000 से डिवाइड, तो इज इक्वल टू 0.008 लीटर, क्योंकि 8 में 1 डिजिट है ना, तो और भी 2 जीरो से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसके केस में 4 लीटर 250 मिलीलीटर, तो 4 कंप्लीट 250 upon 1000, तो इज इक्वल टू 4.5 देना, क्योंकि यह डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, 250 को 1000 से डिवाइड दी जाए ना, तो देखिए 1000 में 3 जीरो है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो गए, तो 4.25
250, लास्ट में ये जीरो आकर ना लिखे तो भी होगी, तो 4.250 लीटर आप लीटर में कन्वर्ट हो गए। इसके केस में देखिए सेम ऐसा है, 10 कंप्लीट 25 डिवाइडेड बाय 1000, 10 लीटर 25 मिली लीटर है, तो इज इक्वल टू 10.25 में दो डिजिट है, यहाँ तीन जीरो है, तो जीरो से और एक डिजिट बनाएंगे ना, तो 025 लीटर बस। अच्छा नेक्स्ट 75 ml है, तो इज इक्वल टू 75/1000, तो इज इक्वल टू 0.075 लीटर है। और एक जीरो लाना, यहाँ देखिए जीरो लास्ट में नहीं लाना, पहले जीरो लाना, क्योंकि लास्ट में अगर जीरो लाया जाए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए एक चीज़, 75 को अगर हम 750 लास्ट में लगाए जीरो ना, तो 750 है, ये 75 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम 75 को ऐसे लिखें 075, तो वही 75 है, इस जीरो की कोई माना नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हम पहले ही जीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 लीटर 5 मिली लीटर, तो 15 कंप्लीट 5/1000, तो इसको 15.5 में एक डिजिट है, तो और भी दो डिजिट दो जीरो से बनाना, एक दो, तो 15.005 लीटर, क्या बात। अब नेक्स्ट डी नंबर ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज द डेसिमल ऑफ मीटर, अब मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स है। पहला देखिए 583 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, तो देखिए 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, ठीक है, जैसे कि 1000 मिलीमीटर से 1000 मिलीग्राम से 1 ग्राम है, 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर है, तो वही वैसे ही 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर है। अच्छा तो मिलीमीटर से मीटर में जाना, तो 583 को 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0.583 मीटर है। नेक्स्ट देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाना, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना, देखिए 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं, ये तो आपको याद भी है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो सेंटीमीटर जहाँ मिलेगी इसको 100 से डिवाइड देना, तो 250 / 100 इज इक्वल टू दो डिजिट लेफ्ट में मूव हो गई, तो देखिए 100 में दो जीरो है, तो दो डिजिट लेफ्ट में मूव हो गए डेसिमल पॉइंट, यहाँ से दो डिजिट चूर के पुट हो गए, एक दो, तो 2.5 मीटर है। नेक्स्ट 75 सेंटीमीटर, तो 75 को देखिए सेंटीमीटर से कितने 100 है, 100 से तो दूर जितना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी, तो 0.75 मीटर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 7/1000, तो इज इक्वल टू 0.007 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 मीटर, तो 5 कंप्लीट, देखिए ये तो मीटर में ऑलरेडी है, तो 50/100 इज इक्वल टू 5.0, 100 में दो जीरो है, तो यहाँ भी दो डिजिट है, तो दो डिजिट चूड़ के लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट होगी यहाँ पे, तो 5.50 या फिर 5.5 लिख सकते हैं, सिर्फ 5.5 लिखे तो भी होगी, 5.50 मीटर या फिर 5.5 मीटर एक ही वैल्यू है। नेक्स्ट 16 मीटर, तो ऑलरेडी 16 कंप्लीट 8/ यह सेंटीमीटर में है, तो 100 से, तो 16. यहाँ ओनली 8 एक डिजिट है, तो और एक डिजिट 0 से बनाएंगे, 08 मीटर है, इजी है भाई। नेक्स्ट 7 नंबर के 25 मीटर 25 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो ये तो 25 ऑलरेडी है, 25 कंप्लीट 25/25 सेंटीमीटर में है, तो 100 से। अच्छा यहाँ आप चाहे तो प्लस लगा सकते हैं, प्लस यह 5 है ना, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर से 1000 है, 1000 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 25 के बाद पॉइंट देना, 100 में दो जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आके पुट होगी, तो 0.25, यहाँ और डेसिमल देने की कोई ज़रूरत नहीं, डेसिमल पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, 100 1000 दो जीरो तीन जीरो, तो डायरेक्ट जस्ट 5 पुट कर देना, तो 25.255 है। अब यहाँ मीटर लगा देना। नेक्स्ट इसके केस में देखिए
20 मीटर, तो 20 ऑलरेडी है, यह 5 सेंटीमीटर ना, 5/100 है सेंटीमीटर में, प्लस 3/1000 है, तो इज इक्वल टू 20 पॉइंट, देखिए 100 में 2 जीरो है तो यहाँ एक डिजिट है, तो और एक डिजिट जीरो से बनाएंगे, तो 05, देखिए 100,000, तो नेक्स्ट देखिए ये 1000 की प्लेस में है, तो 3 है यहाँ, तो 3 है, अब मीटर में है, ठीक। बाय नेक्स्ट ई नंबर देखिए राइट में फॉलोइंग जैसे डेसिमल हो गए किलोमीटर, आप किलोमीटर में बात बात करना, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए ये कैसा है, देखिए 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर km, इन शॉर्ट km, ठीक। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनती है, तो मतलब क्या है, मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में, तो करना क्या, डिवाइड देना वही कितनी से 1000 से, तो 234 मीटर, तो 234/1000 इज इक्वल टू 0.234 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 3 किलोमीटर, तो 3 कंप्लीट, 3 किलोमीटर 460 मीटर, तो 465/1000, तो इज इक्वल टू 3.465 km। तीन डिजिट है, तो तीन डिजिट वन के बाद 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 डिजिट चूड़ के डेसिमल पॉइंट पुट हो गए, तो 1, 2, 3 यहाँ पे, तो 3.465 किलोमीटर। 48 मीटर नेक्स्ट फोन नंबर, तो 48/1000, तो इज इक्वल टू 0. यह दो डिजिट और एक डिजिट जीरो से बनाना, तो 0.48 km है। नेक्स्ट 5 मीटर, तो 5/1000, तो इज इक्वल टू 0. और भी 2 जीरो चाहिए ना, 0.05 km। अच्छा नेक्स्ट देखिए 14 किलोमीटर, 14 मीटर, तो इज इक्वल टू 14 कंप्लीट, 14/1000, तो इज इक्वल टू 14.014, तो तीन डिजिट हुआ ना डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 के बाद 3 जीरो, अब किलोमीटर लगा देना। नेक्स्ट 6 नंबर, 23 किलोमीटर, 3 मीटर, तो इज इक्वल टू 23 कंप्लीट, 3/1000, तो इज इक्वल टू 23.003 है, 003 किलोमीटर। कितनी इजी ना, बहुत इजी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।